equivalent weight of oxidizing agent and reducing agent. Equivalent weight of oxidizing and reducing agent. आप लोग सब जानते होंगे, ऐसा नहीं कि कोई पहला बार आप सुने होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? द स्पीसीज व्हिच गोज फॉर रिडक्शन, जिनका खुद का रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे देखिए मिलेंगे LIC एजेंट, वो अपना LIC नहीं करते हैं, आपका LIC करेंगे. जैसे बस में बोलेगा टिकट वाला कि हम एजेंट हैं भाई, बस के एजेंट हैं, तो वो नहीं बैठेंगे, आपको बैठाएंगे. तो उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद का रिडक्शन करते हैं, आपका ऑक्सीडेशन करेंगे. मतलब कि कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन यदि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस रिएक्शन होता है तो एक कंपाउंड ए और बी रिएक्ट कर रहा है. ध्यान से समझिए, यदि बी बी प्लस में चला गया इसका मतलब है कि ए को माइनस में जाना पड़ेगा, इतना पक्का है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आसमान से आएगा नहीं, इन्हीं का इलेक्ट्रॉन ये लेंगे, इन्हीं का इलेक्ट्रॉन ये देंगे. मतलब कि कोई भी रिएक्शन है तो जिनका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब जो जीरो से प्लस में गया तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या हो गया, बोलिए, रिड्यूसिंग एजेंट. जिसका रिडक्शन हुआ ये क्या हो गया? बस इतना सिंपल बात है. मतलब द स्पीसीज व्हिच अंडरगो रिडक्शन इन अ केमिकल प्रोसेस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इतना में कोई बच्चे को दिक्कत? अब बात इतना आसान नहीं है. आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कंपटीशन में, इसको पहले समझिए. मान लीजिए आपसे बोलेगा कि बताइए, आप लोग सब जानते हैं कि ये कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का क्या नाम है? ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट कर रहा है. ऑक्सैलिक एसिड किसमें जा रहा है? CO2 में. पूछेगा कि इस प्रोसेस में ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, किसी से रिएक्ट किया होगा, वो हम नहीं कर रहे हैं. ऑक्सैलिक एसिड CO2 में जा रहा है, किससे रिएक्ट किया उसका बात वो नहीं आपको बताया. आपको फिर सिर्फ यहाँ देखना है कि ऑक्सैलिक एसिड CO2 में जा रहा है तो इस प्रोसेस में ऑक्सैलिक एसिड का क्या हुआ, इसको कितने लोग बता सकते हैं आप लोग में से? अब देखिए, जिनको नहीं आता है उनके लिए एक बच्चा वाला बात हमारे पास कंसेप्ट है, आप इसी कंसेप्ट से चलिए. इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन कंसेप्ट. इसमें क्या है कि आप देखिए कि जब भी कभी किसी रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट दिया और इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो पहले आपको जो एटम जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करना होगा. इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीजन का नहीं हो रहा, हो रहा है किसका? कार्बन का. तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि कार्बन इधर दो है तो आपका पहला काम होना चाहिए कि इधर, ये गलती कर नहीं करिएगा तो कभी इक्विवेलेंट वेट आपसे नहीं निकलेगा. हम मजाक में बोलते हैं कि दुल्हा स्पीसीज दोनों तरफ बराबर हो, मतलब मेन जो चीज जिनका मेन शादी हो रहा है वो जितना इधर रहे उतना इधर भी रहे. बात समझे? इन्हीं का शादी हो रहा है, इन्हीं को आप गायब कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना. मेन रिएक्शन में मेन पार्टिसिपेंट यही है, ठीक है? तो अब यदि गौर से देखिए, यदि हम आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत बार पढ़ाए हैं तो कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. ध्यान से समझिए, आप देखिए इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा निगेटिव है. आपको हम बता चुके हैं कि यदि कोई बॉन्ड, देखिए ध्यान से समझिए कि यदि कोई बॉन्ड दो एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बीच में है तो एवरी बॉन्ड गिव वन पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर हर बॉन्ड के कारण एक पॉजिटिव चार्ज आएगा. बात समझ रहे हैं? जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंट्रोडक्शन दिए थे तो ये चीज हम बताए हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक इमेजिनेशन है. वो ऐसा होता है कि नहीं होता ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये संभव है. इसीलिए आपको हम बताए थे पहला लाइन कि ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी कंसेप्ट है. उसमें हम ये मानते हैं कि एटम्स के बीच में यदि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है
तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, इसीलिए सिर्फ हम मानते हैं। बात समझ रहे ना, एक्चुअल में वो जाता है या नहीं जाता है ये किसी को पता नहीं। जनरली क्या होगा कि यदि इलेक्ट्रॉन रेट ज्यादा है तो हल्का सा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसमें ये कंसेप्ट का बेस ही है कि एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यदि थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो जिस पर कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उसका इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। वो भी सबसे हद तो यह बात है कि बॉन्ड को बिना तोड़े बॉन्ड टूट जाता तब तो आपको मन में सोचना है कि बॉन्ड ऐसे टूटा होगा तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर निगेटिव है, जिधर जिसका इलेक्ट्रॉन गया उस पर पॉजिटिव। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर जब आप बनाते हैं तो एक्चुअल में आप सिर्फ अपने माथा में सोचते हैं, सिर्फ इमेजिन करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का थोड़ा सा भी डिफरेंस हो। ऐसा थोड़े होगा कि मान लीजिए कोई आदमी है, एक लड़का है एक लड़की है, थोड़ा अट्रैक्ट होगा, ऐसा मतलब थोड़ा उसे घर चल जाएगा एक के दिन में। सेम बात यहाँ पर है, यहाँ पर सेम बात है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा उसको आप दिखा रहे हैं क्या कि इधर शिफ्ट कर गया। बात समझ रहे मेरा बात? आपको हम पहला क्लास में सिखाए थे कि यदि दो एटम के बीच में बॉन्ड है तो जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा इस प्लस में और इस माइनस में। बात समझ रहे, क्लियर बात है? मतलब कि द रूट काउज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। जिस बच्चा को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आइडिया नहीं होगा वो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं समझ सकता है, और जो फार्मूला बच्चा लेवल का आप बनाते हैं उससे जब भी बनाइएगा तो गलतें बनाइएगा, क्योंकि वो परीक्षा वाला भी जानता है कि आप फार्मूला से पढ़े हैं, हर साल पूछता है, लेकिन वो पुस्तक वही लड़का बना सकता है जिसको कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आइडिया हो। यदि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का आइडिया नहीं है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर का एक क्वेश्चन आप गंवा के आइएगा, पक्का, कोई डाउट में नहीं रखिए। अपने आप को सबको धोखा दीजिए, खुद को धोखा नहीं दीजिए, धोखा देना चाहिए गलत, हमने मानते धोखा देना, मौका पर दीजिए धोखा, लेकिन खुद को मत दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम हुआ पालिसा, इस बॉन्ड के कारण कार्बन पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा इस बॉन्ड के कारण? वन। किस कंसेप्ट से बताया? कोई बोले कि अरे सर मेरा हाथ हमारे हाथ से जोड़ लिया, यहाँ पर भी क्या है कार्बन एटम, यहाँ पर भी कार्बन एटम है, दोनों के बीच कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा? अपना हाथ अपने से मिलाइएगा, कोई करंट फ्लो होता है? दूसरे का हाथ से मिलाएगा तो ठंडा लगेगा गर्म लगेगा? अपना हाथ को अपने हाथ से मिलाइएगा तो कोई सेम बात है, मजाक नहीं है। यदि कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है? बात बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा? जीरो। यहाँ पर क्या होगा? प्लस। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? प्लस थ्री। सिमिलरली यहाँ पर भी कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? प्लस थ्री। क्लियर है बात? अब ध्यान दीजिए कि इस दो कार्बन का ऑक्सीडेशन दोनों का सम किए तो कितना आया? प्लस सिक्स। और इधर इधर देखिए तो इधर आप देखिए कि हर बॉन्ड के कारण यहाँ पर कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, प्लस फोर। अब कहिएगा सर कि सर जब ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था तो आप दोनों को क्यों लिए? एक कार्बन CO2 से तो भी बना सकते थे। हम कहें बिल्कुल गलत बात है, यही करके तो लोग गलत हो जाते हैं। जब ऑक्जेलिक एसिड का हमको निकालना है तो ऑक्जेलिक एसिड में कितने कार्बन है? ध्यान समझे कि यदि किसी स्पीसीज का निकालना है तो उसके दोनों एटम को आपको कंसिडर करना है। क्लियर हुआ बात? तो ये दोनों एटम के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ? प्लस सिक्स। और यहाँ पर दोनों एटम के कारण प्लस फोर इंटू टू क्या होगा? प्लस एट। अब आपको हम शुरू क्लास में बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट निकालना बच्चा का खेल है, सिर्फ जो चीज का निकालना है उसका फॉर्मूला वेट बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितना हुआ। तो फॉर्मूला वेट निकाल लीजिए जो भी आपका आता है, डिवीजन कितना से होगा? इस मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर कितना था? छः था, और यहाँ पर आठ हो गया, छः से आठ हो गया है, इसका मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो यहाँ डिवीजन कितना से हो जाएगा? क्लियर हुआ बात? ये इतना आसान नहीं है, अभी तो स्टार्ट किए हैं, इतना इसमें इतना पेच है, कंसेप्ट एक ही है, बस आपको एकदम सतर्क होकर चलना है। सब में इतने से हम करेंगे, एक से एक आईटी का क्वेश्चन आपको हम ला के दिखा देते हैं, बना के दिखा देंगे, इतने बात जितना भी हम बात किए। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए दो चीज़ आपको आना चाहिए। पहला चीज़ कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, दूसरा चीज़ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आना चाहिए,
तीसरा लाइन कि आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि हमको किसका निकालना है। इसी क्वेश्चन में कह देता कि CO2 का निकालिए, इसी क्वेश्चन में कहता कि CO2 का निकालिए, तो CO2 के पास कितना कार्बन है, एक। तो एक मॉलिक्यूल के लिए तब इधर हम क्या करते हैं, तब हमको यदि CO2 निकालना होता तो इधर हमको हाफ करना पड़ता क्योंकि हमको CO2 का निकालना है। ठीक है, एक के जगह ज़्यादा बताएंगे तो पूछ हो जाएगा, अभी तो तुरंत बताते अलग से CO2 का निकालना सिखाएंगे, पहले इसको निकालिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अभी जो निकला सो ऑक्जेलिक एसिड का निकला। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अब देखिए एक आईआईटी का क्वेश्चन पूछा हुआ, उसको बनाइए तो देखें कि हम आप कितना लोग समझे। लिखिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया व्हेन इट कन्वर्ट इनटू HNO3, व्हेन इट कन्वर्ट इनटू HNO3। कितना आसान है, देखिए हम बताएंगे तो आपको लगेगा करे यार इतना इजी सा। अमोनिया, अमोनिया को आप जानते हैं NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, नाइट्रोजन का। तो हर बॉन्ड के कारण यहाँ क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, हर बॉन्ड के लिए क्या आएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, माइनस 3 है कि नहीं। नाइट्रोजन का 3 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो ज़्यादा है, और जिस पर ज़्यादा है उस पर निगेटिव आएगा, जिसका कम है उस पर पॉजिटिव। लेकिन हमको हाइड्रोजन का मतलब नहीं है, हमको सिर्फ नाइट्रोजन से मतलब है, तो हाइड्रोजन में क्यों लिखा है, चाहे भी फालतू का बर्बाद नहीं करना चाहिए। HNO3, HNO3 के बारे में हम खूब बढ़िया से समझाए थे कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। क्यों 4 होता है बउआ, शर्मा के नहीं, क्लियर बोलिए, शर्मा वाला बात वैसा नहीं, कोरस गाना नहीं गाना है, क्लियर बोलिए। चलिए आप बताइए कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 क्यों होता है, क्यों नहीं बना सकता है। नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेगा, 1s2, 2s2 और 2p3। जब किसी के पास आगे का ये वैल्यू क्या बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होगा तो एजीमूथल क्वांटम नंबर, एल को कहते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 और 1। 0 हुआ तो यहाँ पर s ऑर्बिटल होगा, 1 है तो यहाँ पर p ऑर्बिटल है, मतलब कि इनके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं। यदि d ऑर्बिटल रहता तब ये अपना इलेक्ट्रॉन को d में भेजते और इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करते, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल बॉन्ड वी रिक्वायर्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल। लेकिन इनको हाफ फील्ड इधर खाली रहता तब तो वहाँ पर भेजते, अपने आप को हाफ फील करते, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग कहता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है, ऑर्बिटल्स का हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है। इसलिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका बेचारा का पेयर ही रह जाएगा, बात समझे, आउटर मोस्ट में इनका 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह जाएंगे, पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। इसीलिए नाइट्रोजन क्या कर सकता है, ध्यान से समझिए कि नाइट्रोजन कर सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है उसको 1 को दे सकता है और 3 को शेयर कर सकता है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हुआ। रीजन कहाँ पर से है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से, कि नाइट्रोजन का जब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है वो 2 है, और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होगा तो एजीमूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू होता है 0 to n-1। तो 0 to 1, 0 to 1, 0 इसका मतलब s ऑर्बिटल, 1 है मतलब p ऑर्बिटल, डी पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को, इनके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर नहीं कर पाते, इसीलिए यदि होता तब न करते, लेकिन है ही नहीं बेचारे के पास। तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या कर सकता है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। तो अब हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा रहे थे तो एक बात पढ़ाए थे, आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग का बड़प्पन है कि भूल जाते हैं, इसलिए हम टेंशन नहीं लेते हैं, भूलना भी फिल्म में भी गाना गाता है, जितना भुलाना चाहा उतना ही याद आया वाला गाना आप लोग तो गाते ही होंगे,
समझे? तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, देखिए बात को समझिए कि नाइट्रोजन जो है एक, ये हमेशा लोन पेयर के रूप में रहेगा इनका, क्योंकि वो अनपेयर्ड नहीं है और चार तीन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, मतलब कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम फोर बॉन्ड, दैट इज इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी इज फोर। और इसको हम क्लियर करते हैं, इसमें यह थ्री सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर के साथ, ये लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा हुआ कोवैलेंट बॉन्ड और ये हुआ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि नाइट्रोजन चार मैक्सिमम कोवैलेंसी है, इसको भी अब हम तोड़ के बताएं तो तीन ये नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसी चीज का हमको जरूरत था कि हमको HNO3 के बारे में देखना था। तो HNO3 का स्ट्रक्चर आप लोग सब जानते होंगे, HNO3 का स्ट्रक्चर यही है, यही है HNO3 का। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन दो को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए ना, दो कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा लिखने को जरूरत है, दो कोवैलेंट बॉन्ड और एक तीन कोवैलेंट बॉन्ड है, देखिए एक दो तीन, क्लियर है ना, तीन कोवैलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इतना बात समझ गए। अब देखिए आपको हम याद कीजिए कि हम ऑक्सीडेशन नंबर में एक चीज बताए थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो टाइप का होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो टाइप का होता है। देखिएगा ये एटम ए है जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्या हम बोल रहे हैं, एटम ए है जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और एटम बी है यह है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, जहां पेंच है हम उसी बात पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परीक्षा में वही चीज पूछता है जहां पर बच्चा कंफ्यूज है। देखिए यदि कोवैलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास हो, मतलब कोई गरीब जो है वो अमीर को दे रहा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तब क्या होता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है उस पर क्या चार्ज डेवलप करता है बताइए तो, हाँ कितना डेवलप, प्लस टू, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर क्या होता है माइनस टू। लेकिन यदि ए यदि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ध्यान से समझिए, और यदि बी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब यदि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब इस पर भी चार्ज जीरो डेवलप होगा, इस पर भी चार्ज जीरो डेवलप। अब छोड़िए केमिस्ट्री का बात, एक जनरल बात समझिए, एक गरीब आदमी है आपका, मान लीजिए कहीं पर्स गिर गया और आप देखिए क्या टेम्पू भाड़ा भी नहीं है, लेकिन वो देखा करें इनके पास पैसा नहीं है, आपको 20 रुपया दे दिया, गरीब आदमी आपको दे दिया, उसके पास पैसा आपने उसको नहीं है, फिर भी वो देखा कि नहीं आप परेशानी में है, वो दे दिया। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव यदि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को के तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव का प्लस टू चार्ज होता है, मतलब वो जो 20 रुपया दिया है उसका वैल्यू 40 रुपया रखिए अपने दिमाग में, कल आपको 40 रुपया उसको देना चाहिए, मतलब आप 20 का कर्जदार नहीं हुए हैं, 40 रुपया देते हैं। लेकिन यदि आप बहुत अमीर आदमी हैं और मान लिया ठंडा का भी समय आ रहा है, कम्बल बांट दीजिए, कल उससे मान लिया कोई टेंशन हो जाए तो बोलिए कमलिया मैं लौटा देना भैया, परसों कम्बल दिए थे तुमको, मांगिएगा, नहीं होता है। मतलब कि यदि कोई अमीर किसी गरीब को देता है तो किसी पर कोई चार्ज डेवलप, ना गरीब पर कोई चार्ज डेवलप हुआ ना अमीर को पर चार्ज डेवलप। लेकिन यदि कोई गरीब वो आपका आपको खराब परिस्थिति में साथ दिया है तो आपको उसको डबल कर्ज अदा करना चाहिए। देखिए ये केमिस्ट्री बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे कि ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जिसके पास कम औकात है वो अमीर को दिया है तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और यदि ऐसा बात है तो फिर समझ आया बात कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सीडेशन नंबर के जनरेशन में, क्लियर हुआ बात, ठीक है इतना उतारिए। अब आइए यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, हाँ
नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या डेवलप होगा? यहां पर भी क्या होगा? प्लस। और देखिए ये गरीब अमीर को दे रहा है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहां पर क्या होगा? डबल प्लस। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? समझ आया सब बच्चों को? बात यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट है। ये ऊपर वाला बात को नहीं भूलिएगा, नहीं तो बाद में भूलिएगा। इसको एकदम ध्यान से रखिएगा, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, हम कह नहीं सकते। इसको आपको सजा के दिमाग में रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन देखना है कि उस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट, एक बार स्ट्रक्चर बना के पूछा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना डेवलप होगा आईआईटी में, तो आपको एकदम सतर्क रहना है। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ रहा ही नहीं, इधर भी एक ही दुल्हा है, इधर भी एक ही है, इधर भी एक ही एटम है, इधर भी क्या है? एक ही एटम है, तो बैलेंस करने का तो कोई बात उठता नहीं है। यहाँ पर माइनस थ्री है और यहाँ पर प्लस फाइव है। हाँ बताइए, माइनस थ्री से प्लस फाइव जा रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा? माइनस थ्री से प्लस फाइव गए, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? एट। वेरी गुड, एकदम सही। इन पर तीन रुपया कर्ज था और अब ये अमीर हो गए, पांच रुपया इनको हो गया। इसका मतलब है कि आठ इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे, तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा। तो इसमें इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH3 इन दिस केस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH3 आप जानते हैं, डिवाइड बाय 8। ये क्वेश्चन आईटी का पूछा हुआ है। आपको समझ में आया है सब बच्चा को? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ये समझ गए हैं तो देखते हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में तो पक्का। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन गैस। ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2007 का। क्या? फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन गैस। इतना देर लग रहा है तो इसका मतलब कि आपका दिमाग यहाँ पर नहीं है। हम तो सिर्फ जानते हैं आप क्या समझ रहे हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। कितना जल्दी आंसर देना नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे। देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन से यहाँ हाथ मिलाए हुए, कोई चार्ज डेवलप होगा? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से है, तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, तो इस दोनों एटम मिलाकर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? माइनस टू। इन दोनों एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही है, तो दोनों का जीरो जीरो है, तो इन दोनों मिलाकर भी क्या हो गया? जीरो। तो इक्विवेलेंट वेट हमको निकालना क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 2 से जीरो गया है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकलने से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। ये जीरो भी ग्रोथ है, पहले बेचारा ये माइनस में था, ये जीरो पहुंचा, फिर भी ग्रोथ है क्योंकि माइनस से जीरो पहुंचा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन से ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए देखते हैं, ये सब चीज़ हम पढ़ाएंगे फिर से, लेकिन अभी जितना काम था, क्योंकि हमको फैराडे लॉ पढ़ाने के लिए इक्विवेलेंट वेट पढ़ाना था, तो अभी हम पढ़ा रहे हैं। फिर इसका एक बार मुलाकात आपको होगा टाइट्रेशन चैप्टर में, रिडॉक्स टाइट्रेशन जब चैप्टर पढ़िएगा तब वहाँ पर फिर एक बार मुलाकात होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 when it converts into water, find the equivalent weight of H2O2 when it converts into water। इतना देर भैया कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग कुछ नहीं समझते। देखिए ये एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ हम बॉन्ड नहीं जानते, इतना जानते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए इस बॉन्ड के कारण क्या, जीरो जीरो, इस बॉन्ड के कारण क्या होगा, -1 -1, और जा रहा है H2O, इसको कहते हैं ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2।
तो अब यहीं पर समझने का जरूरत है, यदि आप नहीं समझते कि हमको H2O2 का निकालना है तो दो ऑक्सीजन इधर है तो आपको यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, पहला चीज यही। तो इधर दो मिलकर क्या है -2, इधर दो मिलकर कितना है -4, -2 से -4 गया है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन ये अब्जॉर्ब किया है, तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, मॉलिक्यूलर वेट बटे 2। बात समझे, मतलब यहाँ पर एक नया चीज सीखे कि H2O2 जब वाटर में जाता है तो वहाँ उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो H2O2 जब रिडक्शन होता है, और जब H2O2 ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है तब उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही H2O2 जब वाटर फॉर्म करता है तो वहाँ पर उसका क्या हो रहा है रिडक्शन, क्यों यहाँ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस साइड आपको लगाना पड़ा, इस साइड में इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है रिडक्शन है, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका मतलब क्या है ऑक्सीडेशन। तो दोनों के केस में लेकिन एक चीज सेम है आंसर, दोनों में आंसर क्या है मॉलिक्यूलर वेट बटे 2। क्लियर हुआ, अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तो फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mn2 plus when it get converted into MnO2. Mn2 plus when get converted into MnO2 in acidic medium. देखिए यहाँ क्या कह रहा है Mn2 plus है, और जिस जा किस में रहा है MnO2। इतना में कोई बच्चा को दिक्कत, चलिए Mn2 प्लस है तो कुछ सोचना नहीं, यहाँ तो सीधे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बात समझ रहे ना, MnO2 है गया, तो आपको हम शुरू में ही बताए थे ऑक्सीजन जब भी बनाता है तो क्या बनाता है, जब भी न्यूट्रल है तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा हर बॉन्ड का, कि मेटल है तो मेटल हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो दो ऑक्सीजन है तो दो दो प्लस दोनों देगा, रिजल्टेंट क्या होगा MnO2। तो यहाँ पर हमको किसका निकालना है Mn प्लस का, तो इसका वेट क्या होगा बोलिए, तो इतना आसान है, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, फॉर्मूला वेट या एटॉमिक या क्या लिखेंगे आयोनिक वेट, आयोनिक वेट ऑफ Mn2 प्लस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा +2 से +4 गया, मतलब क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ What is the equivalent weight of water bracket में H2O when it get converted into oxygen gas. एक सेकेंड का है ये सब क्वेश्चन, इतना देर आप लोग लगाते हैं तो हमको आश्चर्य लगता है कि कौन सा प्रोसेसर रखे हुए हैं इस जमाना में, प्रोसेसर को एकदम थोड़ा सा फास्ट रखिए। तो हमको किसका निकालना था वाटर का, किसमें जा रहा ऑक्सीजन गैस में जा रहा, प्रोफेशनल हम देखेंगे, हमको बस ऑक्सीजन इसमें एक है ना उसका -2 है, इधर भी हम H2O का निकालना है तो इधर भी हम क्या करेंगे हाफ कर देंगे, क्यों करिएगा सर हाफ, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हमको वाटर का निकालना है, तो हमारे वाटर में कितना ऑक्सीजन है एक, तो इधर भी कितना ऑक्सीजन लेंगे, एक लेने के लिए क्या करना होगा, बात समझे। अब आप जानते हैं O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, दो का भी जीरो था, आधा का भी जीरो, एक के भी जीरो, बात समझ रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा -2 से जीरो हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बोलिए, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 18 बटे 2। कुछ दम है, आप बस एक लाइन जो हम बताए हैं पहला बार, सब क्वेश्चन तो उसी लाइन से बना रहे हैं, कहाँ हम कोई नया चीज ला रहे हैं भैया, कि नहीं सर इसमें इससे होगा, इसमें दाएं जाना है, इसमें बाएं जाना है, एक ही रास्ता से चल रहे, बस वही जो कहे हैं, ये गड़बड़ कर दीजिएगा तो फिर लटकते रह जाइए, किसका निकालना है पहला टारगेट ये, कि हमको किसका निकालना है,
प्रोफेशनल होकर देखना है कि नहीं हमको बस इसका निकालना है, इसमें एक ही ऑक्सीजन है तो इसका दो ऑक्सीजन ही गड़बड़ हो गया तो तुरंत उसको हम काटेंगे, अरे भैया ये डबल क्यों जाएंगे। इतना यदि समझ गए तो बात खत्म हो गया, चला खत्म। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिक एसिड। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिक एसिड। इसी चीज को किताब में देगा कि व्हेन इन लंग्स हार्ट ब्लड इस सब में क्या आप लोगों को इसमें मिलाएगा क्वेश्चन, इतना आसान से जितना आसानी से हम दिख रहे हैं उतना ऐसा वो इसमें कहानी बनाएगा ना भाई। कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड का जब ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में वो इसी होता है ना, आप लोग तो पढ़े होंगे रिस्पायरेशन में, समझे। तो इसी को मिलाएगा तो लगेगा अरे भाई तो एम्स का क्वेश्चन हो गया, बात इतना है इक्विवेलेंट वेट निकालना है कि नहीं, उसमें मिला देगा बायोलॉजी लेगा क्वेश्चन कितना बड़ा चीज है भैया। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, H2CO3 होता है, क्या लिख दिए हैं। चलिए इतना देर समय नहीं लगाइए भैया, मेडिकल का तैयारी जब सपना है तो दिमाग को थोड़ा सा एकदम पिजाए रखिए हमेशा, ये सोचिएगा कि भोथर दिमाग से मेडिकल पास कर जाए तो नहीं संभव है, जो बात है हम क्लियर बोलते हैं, मेरा बात तो तीखा लगता है लेकिन सच बोलते हैं ये बात हम। अब बहुत बच्चा बोलेगा कि सर हमको तो स्ट्रक्चर में नहीं, हमको स्ट्रक्चर जानने का कोई जरूरत है नहीं वास्तव में। देखिए यहाँ पर इस बॉन्ड के कारण क्या आएगा प्लस, इस बॉन्ड के कारण क्या होगा प्लस, इस बॉन्ड के कारण क्या होगा प्लस, इस बॉन्ड के कारण प्लस। इधर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको कार्बन का देखना है तो कार्बन किससे जुड़ा हुआ है बस उससे प्रोफेशनल हम बताएं, फोकस्ड होना चाहिए। एक बच्चा में एक कहानी सुनाता होगा आदमी कि सरस्वती जी का वाहन हंस है जिसमें क्वालिटी होता है कि जो काम का चीज है उसको दूध को ले लेती है पानी को छोड़ दे। आपको भी बस काम का चीज पर हमको किससे मतलब है उतने पर फोकस करिए, उसमें सार अलग चीज है। उसको आदमी भावुक होकर ले लेता है हंस व पानी कैसे पी जाएगा वो सब सोचना नहीं है, मतलब टारगेट पर फोकस करिए कि हमको किस काम के लिए। अब देखिए CO2 को देखिए तो CO2 में कार्बन का क्या है प्लस 4, यहाँ पर भी क्या है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स बिकॉज देयर इज नो एनी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझे, ऐसे नहीं कि गुना भाग प्लस शुरू कर देना है, ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं तो आप इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कुछ है ही नहीं है तो आप इक्विवेलेंट वेट क्या निकालिएगा, बात समझे कि नहीं। तो लिखेंगे सो हेयर इन दिस रिएक्शन CO2 डज नॉट गो फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, नाइदर गो फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये चीज समझना है आपको। तो सतर्क हो के इस तरह से जो इक्विवेलेंट वेट का पॉइंट था ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, तो अभी तक जो हम आपको पढ़ाए वो बस इतना छोटा सा पॉइंट पढ़ाए हैं जिसको कि हम इतना छोटा में लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट किसी चीज का निकालना हो तो वहां पर हम क्या लेते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वेट बटे वैलेंसी फैक्टर, इतना ही बात सिखाए। ये फैक्टर सबके केस में अलग अलग होता है, एटम के केस में वैलेंसी होता है, आयन के केस में उस पर चार्ज होता है, सार के केस पर उस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहे कैटायन पर या एनायन पर हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कितना है, बात समझ रहे हैं। हर चीज में समरी बस इतना ही कि जब भी हम किसी चीज का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि किसका निकाल रहे हैं और उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है। कोई एसिड है तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एसिड का बेसिसिटी। कोई बेस है तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, उसका एसिडिटी, बेस का एसिडिटी। तो इक्विवेलेंट वेट एक ब्रॉड टर्म है, परिस्थिति टू परिस्थिति उसके लिए एन फैक्टर का वैल्यू बदलता है लेकिन सब में होता सेम चीज है, फॉर्मूला वेट को आप एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं। अब हम पढ़ाने के लायक हो गए तो कल से हम शुरू करेंगे फैराडे सेकंड लॉ।